अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि PMSS 2022-23 सेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है, और जिन जो सीट्स वैकेंट रही है वो AIST जो है वो जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली जो वो सीट कैंसिल हो गई थी उन कैंडिडेट्स को अलॉट कर रही है, या जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन्स में प्रॉब्लम आ रही है, एलिजिबल नहीं है वो उस कॉलेज में, वो उन कैंडिडेट्स को अलॉट कर रही है। अब यहाँ पर बात आ जाती है लास्ट पे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो डिसबर्स कब हो जाएगी, कब आपको जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बात थोड़ी सी डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर दिया, और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जो है वो मसला रहता है आपके स्कॉलरशिप का, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो स्कॉलरशिप का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसमें। तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, और जिन कैंडिडेट्स का वहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है वो कब तक आपका चेंज हो जाएगा, और जिनका सबमिटेड दिखा रहा है उनको यहाँ पे क्या कुछ करना है वो सारा कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। जो भी अपडेट होगा आपके लिए सबसे पहले हम आप तक पहुँचाएंगे, और जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन डाउट होगा आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपने क्या काम कर लिया है, आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी चढ़ा दी और DBT आपने सबमिट कर दी है। DBT सबमिट करने के बाद आपने अपने कॉलेज में बात करनी है, तो वहाँ से आपने DBT को वेरीफाई करवाना है। जो ही आप DBT अपनी वेरीफाई करवा लोगे तो लॉगिन करने के बाद आप नोटिफिकेशन पे टैप करोगे, वहाँ पे जो है आपको एक ही एक्शन पेंडिंग दिखा रहा होगा, वेरीफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स कि आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है, कॉलेज वालों ने अपनी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया है। देन उसके बाद आप अपने कॉलेज वालों से कन्फर्म कर लेना एक बार कि जो फ़ी होती है स्टूडेंट की, क्या वो आपने क्लेम कर ली है या अभी नहीं। फ़ी के रिलेटेड उनको फ़ी के रिसिप्ट जो है वो अपलोड करनी होती है। अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमने अपलोड कर दी है, बस आपका प्रोसेस जो है वो वहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आपने फिलहाल अपने कॉलेज से जो है वो कुछ भी नहीं करना है। तो उसके बाद आपकी फाइल जो होगी DBT का आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपको सबमिटेड ही दिखा रहा होगा, और पेमेंट डिटेल्स में जो है वो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा होगा। तो उससे आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल परेशान मत हो जाना। तो आपका क्या मसला चलेगा, देखिए अभी आपको पता है कि कम से कम 4-5 महीने से जो पुराने बैच के कैंडिडेट्स थी उनकी डिडुप्लीकेशन की प्रोसेस चल रही थी, और उस बीच उनकी पेमेंट जो है वो काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी, 3-4 महीने पेमेंट डिले हो गई। तो कुछ ही डेज़ पहले जो डिडुप्लीकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है, और 4-5 दिन से जो है वो स्कॉलरशिप जो पुराने बच्चे हैं उनका रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस मंथ के एंड तक, यानी कि अक्टूबर के एंड तक जो पुराने बैच के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बैच के 2020-18-19 जितने भी बैच के कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो पेंडिंग स्कॉलरशिप है जिनकी फाइनेंस में है उसकी यहाँ पर फिलहाल वेरिफिकेशन चल रही है, और उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर आना शुरू हो गया है। यानी कि अक्टूबर के एंड तक जो है वो 2022 बैच के कैंडिडेट्स की प्रोसेस जो है वो चलने वाली नहीं है। अक्टूबर एंड तक जो है वो पुराने बैच के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पेमेंट पेंडिंग है वो पेमेंट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, और एंडिंग अक्टूबर तक वो सारी की सारी पेमेंट जो है जितनी भी फाइनेंस में है वो सारी की सारी कैंडिडेट्स को रिलीज़ कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ डिडुप्लीकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जिन कैंडिडेट्स का डिडुप्लीकेशन में भी इशू चल रहा है उनकी भी रीवेरीफिकेशन चल रही है। यानी कि इस मंथ के एंड तक जो है वो सारी के सारी AIST पुराने बच्चों की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट करने वाली है। तब तक जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोसेस भी चल रही है, कुछ टाइम से उनके भी कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं 1-2 दिनों से। तो इस महीने के एंड तक उनके भी सारी जो है वो जो भी कुछ मसला चल रहा है उनकी काउंसलिंग वगैरह का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन इस मंथ के एंड तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ऑन ईयर ऊन वाले एडमिशन्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और नवंबर में क्या होगा, नवंबर में 2022 बैच जो हमारा है उनकी प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, और AIST जो है जितने भी 4000 या 5000 कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे 2022 बैच वाले कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। और जिस जिस कैंडिडेट की वेरिफिकेशन होती जाएगी उस कैंडिडेट का DBT का जो स्टेटस है वो यहाँ पे चेंज होता जाएगा, और वो यहाँ पे AIST PM SSS अप्रूव जो है वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी जो है आप लोगों की प्रोसेस 2022 बैच के कैंडिडेट्स की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, आपने टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है। नवंबर में आप लोगों की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तब तक पुराने बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो रिलीज हो जाएगा, डिडुप्लीकेशन का भी मसला जो है वो चल रहा है वो NSP में है, तो उसके साथ कोई लेना देना आपको नहीं है। तो इस मंथ के एंड तक वो स्कॉलरशिप जब आ जाएगी तो नवंबर के पहले हफ्ते से 2022 जो बैच हमारा है उसकी प्रोसेस जो यहाँ पर चलेगी, और नवंबर में जो है आपकी पूरी की पूरी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 10-15 दिनों में वो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगी। जिस जिस कैंडिडेट का ओके होगा, काले से वेरीफाई होगा, उस कैंडिडेट का वहाँ से जो है वो AIST से वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होते ही आपको पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, वहाँ पे आपको जब वो मेंटेनेंस जो फी होगी उसकी यहाँ पे आपको 5-4 इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे, और पहले 20,000 की एक होगी और 3 जो है वो 10-10,000 की होंगी, और एकेडमिक फ़ी जो है वो नीचे आपको आ जाएगी, कितनी होगी 10,000, 20,000, 50,000 या 1,10,000 जितनी भी है वो वहाँ पे आपको आ जाएगी। लेकिन जब तक आपकी AIST से वेरीफिकेशन नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो जो ही आपको वहाँ पे AIST से वेरीफाई हो जाएगा, AIST PM अप्रूव्ड DBT स्टेट्स आ जाएगा, पेमेंट डिटेल्स में जो वो आपको सारी पेमेंट मेंटेनेंस की भी आ जाएगी और जो एकेडमिक फ़ी है वो भी आ जाएगी, उसके बाद आपका जो है वो फिर हेड AIST में सॉरी PM SSS में चला जाएगा। PM SSS में एक दिन से वेरीफाई हो जाएगा, हेड PMS में भी एक दिन से वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम उन्होंने किया है। देन उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो होगी वो फाइनेंस में चली जाएगी, और फाइनेंस में आपकी स्कॉलरशिप को 10-20 दिनों का टाइम लगता है आने में, यानी कि अगर नवंबर में आप लोगों की प्रोसेस चल रही है, दिसंबर में आप लोगों का 2022 बैच के कैंडिडेट्स का स्कॉलरशिप जो है वो आना शुरू हो जाएगा। उन कैंडिडेट्स का स्कॉलरशिप दिसंबर में आ जाएगा जिन्होंने अभी DBT अपनी कंप्लीट कर दी है, कॉलेज से वेरीफिकेशन करवा ली होगी इस मंथ के एंड तक, और नवंबर में उनकी प्रोसेस चलेगी, और जिस कैंडिडेट का नवंबर में वेरीफाई हो जाएगा दिसंबर में उन कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ये था डिटेल में वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में 2022 बैच के बच्चों के लिए, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मुझे डिटेल में वीडियो बनाना पड़ा। कोई और कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।